हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविलडोज बाय अजय वर्मा। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिज़ाइन ऑफ स्फेरिकल डोम्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज डोम? ए डोम कंसिस्ट ऑफ ए सेल व्हिच इज जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन ऑफ ए ज्योमेट्रिक कर्व अबाउट एन एक्सिस। सो जब कोई भी कर्व या कोई भी ज्योमेट्रिक कर्व अपने एक्सिस के ऊपर रिवोल्यूशन करती है तब वो एक डोम क्रिएट करती है। लाइक एज व्हेन ए स्फेरिकल ऐसी कर्व है, अगर उसको मैं इस एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कराऊं ऑन बोथ साइड तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मेरे पास मिलेगा, और ये स्ट्रक्चर क्या होता है? डोम। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डोम। फर्स्ट इज स्फेरिकल डोम्स एंड द सेकेंड वन इज कॉनिकल डोम। इफ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज रिवॉल्व अबाउट द वर्टिकल डायमीटर then we get a spherical dome. So here this curve is a spherical curve. So when it revolved about its diametrical axis, then it made a spherical curve dome. So and when a triangular is revolved around a central pivot, then we get a conical dome. So here when this is a triangular or when it revolved about this axis, then it makes a this type of a complete structure. So this is conical dome. So next topic is stresses in a spherical dome. So there are two types of stresses which are developed in the dome. The first is Meldonial thrust and the second one is hoop stress. So here, as we can see in the diagram, this is a diagram for spherical domes. This is a curve, this is a vertical diameter on which it's complete its revolution. So a dome is a combination of these circular rings. Okay, so these rings are placed one upon each other. ये जो भी रिंग है अपने एक दूसरे के ऊपर प्लेस होती है, ऐसे जैसे हम बात करेंगे ऐसे कम डायमीटर है उसके ऊपर ज़्यादा डायमीटर है, उसके ऊपर ज़्यादा डायमीटर की कर्व है, ठीक है? ऐसे ऐसे करके क्या है, पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, ठीक है? ऐसे जो कर्व अपने एक दूसरे के ऊपर कंप्रेशन फोर्स लगाती हैं, ऐसे हम जैसे कोई भी सेक्शन यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, जैसे हमने ये चूज़ कर रखा है यहाँ पे, ठीक है? ये इतना सा एक सेक्शन चूज कर रखा है। अब जैसे ये दोनों सर्कल है वो एक दूसरे के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, ठीक है? इस चीज़ को हम बोलते हैं मेल्डोनियल थ्रस्ट। एंड द सेकेंड वन इज, हम ऐसे इसको कर्व में भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे दो कर्व हैं, ठीक है? ये दोनों कर्व भी इधर से एक दूसरे के ऊपर कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं, लाइकली इसको बोलते हैं हम टेंसाइल फोर्स। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं हुप टेंशन। एंड जो इस डायरेक्शन में लगता है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगता है, इसको बोलते हैं मेडोनियल थ्रस्ट, ठीक है? ये जो इसके परपेंडिकुलर है उसको हुप, एंड जो ये वर्टिकल है इसको कंप्रेसिव मेडोनियल थ्रस्ट। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेशन पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे इसके फॉर्मूले याद करेंगे मेडोनियल थ्रस्ट एंड हुप स्ट्रेस के, ठीक है? अब जैसे मेडोनियल थ्रस्ट का फॉर्मूला गिवन है, स्मॉल डब्ल्यू आर अपॉन वन प्लस कॉस थीटा प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपॉन टू पाई आर साइन स्क्वायर थीटा। सो एंड हुप स्ट्रेस का है डब्ल्यू आर अपॉन टी इंटू कॉस थीटा माइनस वन अपॉन वन प्लस कॉस थीटा माइनस कैपिटल डब्ल्यू अपॉन टू पाई आर टी साइन स्क्वायर थीटा। सो हियर व्हाट इज डब्ल्यू? डब्ल्यू इज अवर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन द डोम। सो इट इज ए वैल्यू ऑफ यू डी एल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड कैपिटल डब्ल्यू इज ए वैल्यू ऑफ कंसनट्रेटेड लोड विच ऑल्सो विल गिवन इन द क्वेश्चन। सो हेयर द अदर कंपोनेंट लाइक आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, टी इज थिकनेस ऑफ डोम, सी ऑल दीज कंपोनेंट्स विल डिस्कस इन द न्यूमेरिकल पोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट इन न्यूमेरिकल। द क्वेश्चन इज, ए स्फेरिकल डोम ऑफ ए वाटर टैंक ऑफ ए स्पैन 6 मीटर हैज़ ए राइज ऑफ 1.2 मीटर एंड इट कैरीज एन ऑन इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 6000 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर एंड ए लैंटर्न लोड ऑफ 8000 न्यूटन एट क्राउन। डिजाइन द डोम एम डोंट कैन
कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील. सो हेयर द गिवन डाटा इज M20 कॉन्क्रीट Fe415 स्टील एंड द लोड UDL है मेरे पास, ठीक है, इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूट लोड UDL वैल्यू दे रखी है 6000 और कंसनट्रेटेड लोड वैल्यू दे रखी है 8000 न्यूटन. सो नेक्स्ट राइज दे रखा है 1.2 मीटर का और बेस दे रखा 6 मीटर स्पैन का. सो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं कैसे बनेगा. सो ये जो मेरा बेस है ये दे रखा है, जो ब्लू लाइन से शो कर रखा मैंने 6 मीटर का, ये वाला बेस मेरे पास गिवन है और राइज दे रखा है 1.2 मीटर का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट दे रखी है 1.2 मीटर, ठीक है. सबसे पहले हम इसकी ज्योमेट्री डिटरमाइन करेंगे, मींस डायमेंशंस और दिस इज द एंगल थीटा. सो दिस इज द वैल्यू व्हाट वी वांट. सो लेट द रेडियस ऑफ डोम ऑफ आर, इस जो ये सर्कल है कंप्यूटर सर्कल है इसकी रेडियस मैंने ज़ूम कर ली, मेरे पास है कैपिटल आर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये रेडियस मैंने आर ज़ूम कर ली. सो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, अब मैं सर्कल की प्रॉपर्टी लगाऊंगा. सर्कल की प्रॉपर्टी में ऊपर मेरे पास क्या होता है, सर्कल इस लाइन का और इस यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन का रेशियो, ठीक है, यहाँ से इनका रेशियो किसके इक्वल होगा, इस लाइन के और इस लाइन के रेशियो के इक्वल, ठीक है, ऐसे दे रखा है. मेरे पास ये है 1.2, सो कंप्लीट मेरे पास कितना है 2R, तो 1.2 इंटू 2R माइनस 1.2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, ये भी मेरे पास 3 है और ये भी 3 है. इससे क्या होगा, मैं रेडियस निकाल लूँगा. अब रेडियस से मैं क्या निकालूँगा, साइन थीटा. अब थीटा ज़ूम करूँगा मैं, थीटा है एंगल मेरा ये वाला एंगल. सो ट्रायंगल मैं ले लूँगा ये वाली, इतनी ट्रायंगल लूँगा मैं, ठीक है. तो मैंने निकालने के लिए ट्रायंगल ले ली ए बी ओ. ए बी ओ में क्या है, बी एंगल क्या है 90 डिग्री है मेरा और एंगल क्या निकालना, ओ थीटा, ठीक है, ये वाला एंगल मुझे डिटरमाइन करना है. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, साइन थीटा की प्रॉपर्टी क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा, ये वाला परपेंडिकुलर हो गया 3 का और हाइपोटेनियस ये वाली लाइन, लाइन अभी आर है जो मैंने अभी निकाल लिया वो कितनी है 4.35. तो यहाँ से थीटा वैल्यू निकल आएगी. अब मैं निकाल लूँगा कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू. इसके बाद मुझे क्या निकालना, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है मैंडोनियल थ्रस्ट के वैल्यू फॉर्मूले में और हुफ टेंशन के. मैंडोनियल थ्रस्ट का मेरा फॉर्मूला था स्मॉल डब्ल्यू आर अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आर साइन स्क्वायर थीटा. सो वैल्यू मेरे पास गिवन है, सीधी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू आती है मेरी 15753 न्यूटन. अब ये आ गया मेरा फोर्स, ठीक है. अब इसको मुझे बनाना है स्ट्रेस. अब इसको स्ट्रेस बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, इसको स्ट्रेस बनाने के लिए फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है. अब एरिया मुझे निकालना पर मीटर. अब मैं थिकनेस ज़ूम कर लेता हूँ सेल की 100 mm, ठीक है, ये मेरी थिकनेस है 100 mm, ये ज़ूम की मैंने, तो ये मेरा फोर्स निकल के आया डिवाइड बाय एरिया, थिकनेस इनटू लेंथ पर मीटर, तो मेरा निकल गया 0.157. इसको प्रेस कर लेता हूँ 0.16. सो बहुत ही कम वैल्यू है. सो अब हम निकाल लेंगे हुप टेंशन. हुप टेंशन का फॉर्मूला मेरे पास स्मॉल डब्ल्यू आर अपॉन टी इंटू कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा माइनस डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आर टी साइंस स्क्वायर थीटा. सो हेयर वैल्यू पुट कर देंगे हम सब चीज़ की और यहाँ से मेरी वैल्यू निकल के आएगी 31486, ठीक है. अब इसको ही भी हम सेम चीज़ कर लेंगे, इसको भी स्ट्रेस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे एरिया से, तो वैल्यू आती है मेरे पास 0.031, ठीक है. अब ये क्या है, बहुत ही कम वैल्यू है, तो इसको हम नेगलेक्ट करते हैं स्ट्रेसेस को, बहुत ही कम वैल्यू है. तो इसके लिए कोड में सुपरविजन है, जब वैल्यू मिनिमम आती है तो उसके लिए हम मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और मिनिमम रेनफोर्समेंट कितनी होती है 0.3% स्टील, ठीक है. तो मिनिमम स्टील है मेरा 0.3%, 0.3% का सो है और इंटू लेंथ इंटू थिकनेस, ठीक है. इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आता मेरा 300 mm स्क्वायर, तो हम बार करते हैं 10 mm का बार यूज़ करते हैं, तो इसके लिए स्पेसिंग निकालेंगे. स्पेसिंग कैसे निकलती है, एरिया ऑफ 1 bar इंटू बी अपॉन टोटल रेनफोर्समेंट. स्पेसिंग आई मेरी 260 mm की, तो हम यूज़ कर लेंगे 250 mm स्पेसिंग, ठीक है. अब उसके बाद करते हैं हम रिंग बीम का डिज़ाइन. अब देखो रिंग बीम का डिज़ाइन क्या,
अब जैसे कि डोम मेरा कुछ ऐसे था, ठीक है, और नीचे क्या है, दोनों यहाँ पे वॉल है। अब इसके लिए जहाँ पे वॉल पे सपोर्ट करेगा वहाँ पे क्या है, हम एक रिंग बीम प्रोवाइड करते हैं ओवर ऑल दी लेंथ, यहाँ पे टोटल सर्कुलर है तो ऐसे प्रोवाइड करेंगे एक रिंग बीम, ठीक है। अब डिज़ाइन करते हैं इस रिंग बीम का। इस रिंग बीम के लिए स्टार्टिंग में क्या करूँगा मैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मेडिनल थ्रस्ट निकाल लूँगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या लेते हैं हम, कोस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और वर्टिकल में साइन थीटा से। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है मुझे, तो ये क्या होगा, ये टी कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास की वैल्यू तो ये आते हैं 11408 न्यूटन। तो हुप टेंशन निकालूंगा रिंग बीम, तो वो कैसे निकलेगी, टी कोस थीटा इंटू स्पैन बाई टू। स्पैन था मेरे पास 6 मीटर का, तो यहाँ पे वैल्यू लेंगे 6/2 और टी कोस थीटा वैल्यू ऊपर निकाल रखे, कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आई मेरी 34224, ठीक है। अब हमें पता है कि सेफ स्ट्रेस होता है स्टील में 150 न्यूटन एमएम स्क्वायर का, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील निकालने की क्या करेंगे, ऐसे ही अब फोर्स है मेरे पास। अब स्ट्रेस निकालने के लिए क्या किया था, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया निकालना है तो फोर्स यहीं रहेगा, स्ट्रेस इधर आ जाएगा, तो फोर्स अपॉन स्ट्रेस, एरिया निकल आया 229। अब 229 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि एक रिंग बीम का क्रॉस सेक्शन कैसे होगा, एक रिंग बीम का क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे होगा, ठीक है। उसके लिए रेक्टेंगुलर के लिए मुझे 4 ही बार प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। अब 4 बार ऐसे जूम करूँगा मैं जिससे एरिया भी मेंटेन हो जाए, तो मैंने जूम कर लिया 4 बार्स ऑफ 12 mm फाई के, ठीक है। अब इनका साइज डिटरमाइन करूँगा, मुझे बार का तो पता चल गया, लेकिन ये सेक्शन निकालूंगा मैं कितना सेक्शन का होगा। उसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कोड के हिसाब से, टेंसाइल स्ट्रेस ऑन द इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया शैल नॉट एक्सीड देन 1.20 न्यूटन एमएम स्क्वायर। सो लेट एरिया बी द मिनिमम एरिया ऑफ रिंग बीम, ए बी द मिनिमम एरिया ऑफ रिंग बीम। तो इक्विवेलेंट एरिया क्या होगा, इसका फॉर्मूला है ए प्लस एम माइनस वन इंटू एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, जो हमने ऊपर बार यूज किए थे 4 बार 12 mm के, यह टोटल एरिया उसी का। और एम क्या है मेरा, 280/3 σ CBC, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। सिग्मा सी बी की वैल्यू 7, तो यहाँ पे एल एम की वैल्यू आती है मेरी 13.33, ठीक है। तो ये वैल्यू है मेरी A+5573। अब लिमिटिंग टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला ऐसे ही रख देंगे जैसे हमने ऊपर किया था, ये है मेरा फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस। तो यहाँ से मैं क्या निकाल दूंगा, एरिया। अब इस एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम 2297 को क्रॉस सेक्शन बना देंगे, हमने क्रॉस सेक्शन ले दिया, प्रोवाइड कर दिया 200 mm × 200 mm का, ठीक है। दिस इज अ डायग्राम फॉर आवर डिज़ाइन, दिस इज द रेनफोर्समेंट वी विल यूज इन द डोम ऑन द अपर बेस। ये हमने 10 mm के बार यूज़ किए थे, स्पेसिंग निकलती 250 mm की, और यहाँ पे हमने रिंग बीम में यूज किए थे 4 बार 12 mm के, ये क्रॉस सेक्शन मेरा 200 × 200 mm का आया था, ठीक है। ये मेरा कंप्लीट क्वेश्चन होता है। अगर आप मेरी मोर वीडियो देखना चाहते हो तो आई सेक्शन पे क्लिक कर सकते हो ऊपर। ओके, थैंक यू।